हाय गाइज, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल आर के मैकेनिकल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सिलाई मशीन टाप मारे तो उसको कैसे ठीक करें। दोस्तों, सबसे पहले इस स्लाइड को मशीन से अलग करेंगे, उसके बाद बोबिन को उसको बाहर निकालेंगे। स्लाइड और बोबिन के निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करें कि मशीन टाप मारे तो ठीक कैसे करें। सबसे पहले मशीन को ऐसे इस पोजीशन में करेंगे और चेक करेंगे कि सुई कितना ऊंचा है या नीचा है। दोस्तों, ये देखो सुई तो ऊंची है, इसको थोड़ा नीचा करना पड़ेगा। सुई को कितना नीचा करना है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस सुई वाले नट को खोलेंगे। दोस्तों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको पूर्ण संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, सुई को नीचा करने के लिए ना तो आपको गज को खोलना है, ना कसना है, ना ऊंचा करना, नीचा करना है। सिर्फ आपको ये सुई वाला नट लूज करो, सुई को थोड़ा सा नीचा करना है। थोड़ा नीचा कर लिया, फिर नट को टाइट कर लेंगे। इसकी चुटकी बोलते हैं इस नट को। अब देखते हैं सुई कितना नीचे आई है, कितनी अपने ओर करनी। दोस्तों, ये देखो सुई जो सिट लगी, दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ऐसे आनी टच होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी बात दिखनी चाहिए। ये अपन मशीन अपनी बिल्कुल सेट हो गई है, सुई बिल्कुल सेट है। दोस्तों, ये एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत बड़े काम, छोटे ट्रिक बड़ा काम। आप इसको एक बार करके जरूर देखना, आपकी मशीन टाप नहीं मारेगी। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।